की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बहुत ही दिलचस्प खबर भी है। अर्जुन राम मेघवाल लगभग एक घंटे से कतार में लगे हुए हैं, ईवीएम में कुछ खराबी है, बूथ नंबर 172 से ये खबर आ रही है। दीपक सर, अब अगर नेताओं को एक एक घंटे लाइन में लगना पड़ेगा तो शायद कुछ आम आदमी की परेशानी आज समझ पाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब नोटबंदी के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी थी और उस लंबी लंबी लाइन में लोग हलकान और परेशान होते थे, और आम आदमी की तो किस्मत ही ये है कि आम आदमी जो है, भारत का आम आदमी अगर आप कैलकुलेट करें तो औसत चलने में और लाइन में खड़े होने में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गुजार देता है। तो अर्जुन राम मेघवाल को एहसास हुआ होगा कि वीवीआईपी होने के बावजूद भी अगर वो एक आम आदमी की तरह जाते हैं, अच्छी बात है वो एक आम आदमी की तरह गए हैं, उन्होंने अपना वेट थ्रू नहीं किया है, लाइन के अंदर लगे हुए हैं। सर, वो तो आप ये समझ लीजिए कि अब मीडिया और जो हर कैमरे में जो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आ गई है उसका ये डर है, ये इनकी अपनी मजबूरी है सर इस समय लाइन में लगना, क्योंकि इतना मीडिया में तस्वीरें निकल जाएंगी। और इस वीवीआई कल्चर की हमेशा भवानी जोशी भी सर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, ये बताइए कि कितनी देर से अर्जुन राम मेघवाल वहाँ पर खड़े हुए हैं? डेढ़ घंटे से लाइन में खड़े हैं अर्जुन राम जी, और वीवीआई मशीन की गड़बड़ी के कारण वो लाइन में कतार में खड़े हैं अब तक, और कई लोग जो है वापिस चले गए, लाइन लंबी लगी हुई है, महिलाएं भी जो है ना वीवीआई मशीन के कारण वापिस घरों की तरफ लौट रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है, शुक्रिया भवानी। आप बताइए शोभना, आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस लाइन में? आज अगर मैं एक आम आदमी की तरह से देखूं और आपने नोटबंदी का जिक्र किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि मुझे ईवीएम खराब है और लोग घर लौट रहे हैं, इस बात का दुख है, क्योंकि बड़े फुर्सत निकाल के कामकाजी लोग हैं, अपनी फुर्सत निकालते हैं, वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब ये नेता लाइन में लगते हैं सर, तो आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे खुशी होती है। सतीश जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात सपना जी कर रही है, लेकिन दुखद, उससे ज्यादा दुखद आश्चर्य यह है कि छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी, फिर राजस्थान से ईवीएम खराब होने की जो खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में चिंता की बात है। कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और यहां पर निरंतर जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसमें हम कहीं ना कहीं पर फेल हो रहे हैं। ठीक है, रोहित चहल जी, मैं आपका भी रुख करूंगी कि नोटबंदी में सारे देश को कतार में लगा दिया था, आज आपके खुद मंत्री जो है वो लगे हुए हैं लाइन में फिलहाल।